नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार कल रीवा में होंगे। यहां पर उनके ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज रीवा शहर में सुबह से ही कोहरा रहा, दिन भर धूप नहीं निकली, सूर्य भगवान के दिन भर दर्शन नहीं हुए। उसके बावजूद पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री की पहली यात्रा मुख्यमंत्री बनने के बाद सफल बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। मोहन यादव इसके पहले जब शिक्षा मंत्री थे तब रीवा आए थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। आज सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश ने मौसम को और ठंडा बना दिया। जिस तरीके से आज दिन भर हवा चली, एक तरीके से कोल्ड वेव कहा जा सकता है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री के रीवा आगमन की तैयारियां लगातार जारी। मुख्यमंत्री रीवा में विवेकानंद पार्क से एक आभार यात्रा भी निकालेंगे। इस दौरान वो रीवा शहर के तमाम लोगों से, खिलाड़ी हों या फिर छात्रों या फिर आवास योजना के लाभ हों, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति से वो मिलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में रीवा संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कमिश्नर रीवा और कलेक्टर रीवा इस मामले को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ तौर से कहा है, पिछले 10 सालों का लेखा जोखा लेकर जरूर आएं। अगर आपके विभाग ने कोई नवाचार किया है तो उसको भी लेकर आएं। रीवा में मुख्यमंत्री एनसीसी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के पहले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, कुछ का लोकार्पण भी करेंगे। उसके बाद आम जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की आगमन की तैयारियां काफ़ी तेजी से चल रही हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे में तमाम तरीके के अधिकारी कर्मचारी उस योजनाओं की खास तौर पर नज़र बना कर रखे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं। खास तौर से बाणसागर योजना को लेकर, रीवा से सीधी सिंगरौली सड़क को लेकर, उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण को लेकर भी मुख्यमंत्री खास तौर से नज़र बना रखेंगे, ऐसा माना जा रहा है। रीवा के विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पार अर्पित करने के बाद कॉलेज चौराहे में लाडली लक्ष्मी योजना तथा मेगावी विद्यार्थी योजना से लाभान्वित छात्रों से मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।